हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो लो भाई, बीजेपी अब तो चुनाव में अयोध्या की सीट से भी हार गई। वो भी वह सीट जहां पे बीजेपी ने कई सौ सालों की प्रतीक्षा के बाद भगवान श्री राम की जन्मस्थली पे राम मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन बीजेपी वह सीट भी हार गई, जिसका मतलब क्या भगवान राम भी बीजेपी के साथ नहीं है कि भगवान राम भी मोदी लीड बीजेपी के खिलाफ हैं। साथ ही लोगों को भी राम मंदिर नहीं चाहिए और इसीलिए लोगों ने भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं दिलवाया। जी हाँ, इस समय ये कहना है मौजूदा विरोधी पार्टियों का। लेकिन क्या सच में ऐसी बात है? क्या सच में रामलला बीजेपी से नाराज हैं और फिर लोगों को राम मंदिर नहीं चाहिए था? तो दोस्तों, आइए आपको इस वीडियो में डिटेल से बताते हैं कि आखिर क्या वो कारण थे जिसकी वजह से बीजेपी को एक तो वो पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया और दूसरी अयोध्या सीट से बीजेपी की हार, जिसको शायद मौजूदा विरोधी पार्टियाँ भी यह न सोच पाई होगी कि बीजेपी अयोध्या सीट से भी हार जाएगी। तो दोस्तों, आखिर इसकी क्या वजह रही, इसको बताने से पहले आपको मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हिंदू धर्म की एक फिलॉसफी, जिसको शायद आप सभी लोग जानते होंगे, और वो कहा जाता है कर्म ही पूजा है, यानी वर्क इज वर्शिप। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको महर्षि नारद और विष्णु जी के बीच हुए एक संवाद से पता चलता है, जिसमें एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, आप यह बताइए कि इस संसार में आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है। और नारद जी यह करके मन में सोच रहे थे कि विष्णु जी तो मेरा ही नाम लेंगे। और उसकी वजह आप सभी जानते हैं कि महर्षि नारद हमेशा भगवान विष्णु के नाम का ही जाप करते रहते हैं, और वो है नारायण नारायण, जो कि भगवान विष्णु का ही एक नाम है। और यही सोचते हुए नारद जी मन में प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु जी के मुख से उनका सबसे प्रिय भक्त का नाम सुनने के लिए आतुर थे। फिर आखिर भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा कि हे नारद, मेरा सबसे प्रिय भक्त इस पूरे संसार में, वो जो देख रहे हो नीचे धरती पे, जो एक किसान हल चला रहा है, वही मेरा सबसे प्रिय भक्त है। यह सुनकर के नारद जी काफ़ी हैरान हुए और फिर उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि हे विष्णु जी, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो किसान तो पूरे दिन में भी एक बार भी आपका नाम नहीं लेता, जबकि मैं आपके नाम का हमेशा जाप करता रहता हूँ, तो ऐसे में वो प्रिय भक्त आपका कैसे हो गया। जिस पर भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद, मेरे लिए सबसे प्यारा वही है जो अपना कर्म सच्चे मन से, निस्वार्थ भावना से और बिना छल कपट किए कर्म करता रहे, वही मेरे लिए सबसे प्यारा भक्त है। तो दोस्तों, इस कथन का आशय यही था कि हिंदू धर्म की ये जो फिलॉसफी है कि वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, और यह सोच करके कि हमें बैठे बैठे सब ऊपर वाला दे देगा, भगवान हमारी मनोकामना पूरी करेगा, ऐसा नहीं है, बल्कि आपको अपने कर्म करते रहना चाहिए, फल आपको जरूर मिलेगा। तो आपको मैंने यह कथन क्यों सुनाया इस इलेक्शन में बीजेपी की अयोध्या के हार के ऊपर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीजेपी के हार का एक बहुत बड़ा कारण इस कथन में ही है। और वो कैसे है, तो आइए जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी को इस हुए चुनाव में पूर्ण बहुमत तो नहीं मिला, बल्कि सिर्फ 240 सीट मिली बीजेपी को, लेकिन टोटल कम्बाइंड एनडीए 291 के आसपास मिली, जिससे कि बीजेपी अपना सरकार तो बना लेगी। लेकिन फिर भी जो विरोधी पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि यह बीजेपी और मोदी की सबसे बड़ी हार है, उन दोनों को जनता ने नकार दिया है। और खासतौर से जो राम मंदिर के निर्माण का प्लैंक था, जो मुद्दा था, उसको लोगों ने नकार दिया है। जनमानस को राम मंदिर नहीं चाहिए और साथ ही बीजेपी ने कोई विकास भी नहीं किया। तो क्या सच में ऐसा था? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। इनफैक्ट अगर बीजेपी दोनों ही काम नहीं करती, राम मंदिर नहीं बनाती और डेवलपमेंट नहीं करती, तो इस समय बीजेपी को जो 240 सीट मिली है वह भी न मिलता और बीजेपी को 50 सीट मिलना भी मुश्किल हो जाता। असल तो बात यह है कि बीजेपी को डेवलपमेंट और राम मंदिर मुद्दे पर ही भारत के कोने कोने से सपोर्ट मिला और कई राज्यों में तो बीजेपी ने स्वीप किया। साथ ही साथ बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बीजेपी को अपेक्षाओं से भी ज़्यादा सीट मिला। लेकिन इस पर अब कई लोग यह पूछते हैं कि अगर ऐसा ही था तो फिर राजस्थान, यूपी और महाराष्ट्र में बीजेपी को इतनी सपोर्ट या सीट क्यों नहीं मिली। और यह कहकर के विरोधी पार्टियां यह हवा उड़ाने में लगी है कि लोगों को बीजेपी का राम मंदिर का मुद्दा पसंद नहीं आया और बीजेपी ने विकास भी नहीं किया। और वो अपना तर्क बीजेपी द्वारा यूपी, महाराष्ट्र और राजस्थान के अंदर बहुत ही कम सीट लाने पर दे रहे हैं। तो जिस पर इनफैक्ट इस समय बीजेपी के जो सपोर्टर हैं वह भी सोच रहे हैं कि आखिर राजस्थान, महाराष्ट्र को समझते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ पे बीजेपी ने योगी गवर्नमेंट के अंदर
न सिर्फ कानून व्यवस्था में सुधार लाया बल्कि इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के दौड़ में उत्तर प्रदेश काफ़ी आगे चल रहा है। डेवलपमेंट के कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। यूपी के ही एक शहर अयोध्या के अंदर बीजेपी ने जो राम मंदिर का निर्माण करवाया और उसके साथ जो अभूतपूर्व डेवलपमेंट के कार्य अयोध्या में हुए और हो रहे हैं, जिसको कि डिनाई नहीं किया जा सकता। इस तरह से कह सकते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद जो डेवलपमेंट और टूरिज्म का बूस्ट मिला है, उसको शायद अयोध्या वाले भी इतना सोच नहीं पाए होंगे कि इतने सारे कार्य अयोध्या में होगा, लेकिन ये सब हुआ। बट फिर भी उसी उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को अपेक्षा से आधे से भी कम सीट मिली और अयोध्या की सीट तो हार ही गई। तो इसके पीछे असल में सबसे बड़ा वजह रहा बीजेपी के अपने कर्म। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि कर्म ही पूजा होती है, लेकिन शायद कहीं न कहीं बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवा करके यह शांति से बैठ गई कि यूपी तो अब बीजेपी की झोली में ही है और अयोध्या की सीट तो जीतना ही जीतना है। और अंततः यही सबसे बड़ा हार का कारण बीजेपी का यूपी में रहा, क्योंकि बाकी जगह तो बीजेपी ने काफ़ी जोर लगाया, चाहे वो बिहार हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, साउथ के अंदर हो। और वह जोर कैसे लगा? क्योंकि बीजेपी ने उन जगहों पे जो कैंडिडेट्स उतारे थे उनको सोच समझ के उतारा गया था। लेकिन यूपी के अंदर अब यह बात निकल के आ रही है कि बीजेपी की तरफ से यूपी के चुनाव में उतरने वाले कैंडिडेट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, उनके आचरण, उनके बिहेवियर और उनके पास्ट परफॉर्मेंस पर भी ध्यान नहीं दिया गया। यही रही मेजर वजह यूपी में बीजेपी का धड़ाम से गिर जाना। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अयोध्या के अंदर ही जो बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट थे लल्लू सिंह, हालांकि वह पिछली बार भी चुनाव जीते थे, लेकिन उनके बारे में अब अयोध्या से ये खबर निकल के आ रही है कि लल्लू सिंह जब पिछली बार जीते थे तब से उन्होंने जनता के दर्शन नहीं दिए थे। यानी अयोध्या के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट के कार्य कैसे आगे ले जाने, अयोध्या के लोगों को क्या इशू है, उसके ऊपर लल्लू सिंह का कोई ध्यान नहीं था। साथ ही साथ उनके ऊपर अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद जमीनों को सस्ते दाम पे लेकर के महंगे दामों पे बेचने का भी आरोप लगा है। कुल मिला के जो वहाँ की अयोध्या के जो निवासी थे वो मूल रूप से बीजेपी के जो कैंडिडेट लालू सिंह से परेशान थे, उनसे खुश नहीं थे, जिसके ऊपर बीजेपी ने ध्यान नहीं दिया। इनफैक्ट कहा यह जाता है कि पिछले 5 सालों के अंदर जितना दौरा यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी जी ने अयोध्या का दौरा किया है, उतना दौरा तो वहाँ के सांसद रहे लालू सिंह ने भी अपने क्षेत्र का दौरा नहीं किया। यानी कुल मिलाकर के जो अयोध्या के निवासी थे वो बीजेपी से नहीं, जो बीजेपी के वहाँ जो कैंडिडेट थे उनसे परेशान थे। लोगों ने उस कैंडिडेट को नकारा है, न कि बीजेपी को। और यही हाल न सिर्फ यूपी के अंदर बल्कि जहाँ जहाँ पे बीजेपी ने अपेक्षा से कम परफॉर्मेंस दी है वहाँ पर यही रीजन रहा, लोकल पॉलिटिक्स के कारण बीजेपी को हार मिली है। और इसमें कोई कहना दो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि बीजेपी की इस चुनाव में जो हार मिली है वह बहुत ही ज़्यादा हो जाता, शायद बीजेपी को 50 क्रॉस करना भी मुश्किल हो जाता। लेकिन बीजेपी के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके कार्य, चाहे वो राम मंदिर का निर्माण करवाना हो या फिर देश की नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के आगे बढ़ना हो, इन सब मुद्दों ने बीजेपी को जिताया, 240 तक ले गया। लेकिन सवाल यह है कि फिर आखिर अयोध्या या यूपी के अंदर यह मुद्दा काम क्यों नहीं कर पाया? तो उसका सबसे नंबर वन रीज़न यही रहा कि इन सीटों पे इंडिविजुअल जो कैंडिडेट थे वह लोगों से कनेक्ट नहीं थे। और दूसरा इसके साथ साथ यह भी रीज़न रहा कि बीजेपी जहाँ जहाँ हारी वहाँ पर या तो जाति की मुद्दा हावी हो गई, या फिर उस क्षेत्र में मुस्लिम वोट बहुत ज़्यादा थे, या फिर कहीं कहीं पर जाति मुद्दा प्लस मुस्लिम वोट दोनों ने ही मिल करके बीजेपी कैंडिडेट को हराया। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।